नमस्कार, आप જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ। મેથિલ સાંસ્કૃતિક સંઘ દ્વારા વડોદરા દુર્ગા પૂજા દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ ભક્તિભાવથી દુર્ગા પૂજા કરવામાં આવી। મોટી સંખ્યામાં સમાજના લોકો સવાર સાંજ આરતી દુર્ગા માતાની પૂજા અર્ચના કરવામાં આવે છે। મેથિલ સાંસ્કૃતિક સંઘના પ્રભાત મિશ્રા અને તેમની સાથે દોરો સાથે દુર્ગા પૂજા આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। નવરાત્રિમાં શક્તિના જુદા જુદા સ્વરૂપનું પૂજન થાય છે। આઠમના દિવસે દુર્ગાષ્ટમીનું મહત્વ નવરાત્રિ દરમિયાન વિશેષ હોય છે। દરેક રાજ્ય, પ્રાંત, સમાજ, રિવાજ અને પરંપરા અનુસાર શક્તિની ઉપાસના નવરાત્રિની ઉજવણી કરે છે। દુર્ગા પૂજાનું પર્વ રાક્ષસ મહિષાસુરના દેવી દુર્ગાએ કરેલ વધ પછી ને અસુરો પરના વિજયની ઉજવણીના ભાગરૂપે મનાવવામાં આવે છે। દુર્ગા પૂજાનું મહત્વ પશ્ચિમ બંગાળમાં સૌથી વધારે છે। બંગાળ અને બીજા પ્રાંતના લોકો જેમાં દુર્ગાની પૂજા અર્ચના કરતા હોય એ તમામ લોકો પંડાલ બનાવી દુર્ગા પૂજા ધામધૂમથી ઉજવે છે। મેથિલ સાંસ્કૃતિક સંઘ વડોદરા દુર્ગા માતાના દર્શન કરવા પૂર્વ સાંસદ રંજનબેન ભટ્ટ તથા ભરત ડાંગર દર્શન કર્યા હતા। ડોક્ટર હિમાંગ જોશી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। आज महानवमी है और पूजा का आज अंतिम दिन है। कल दशहरा है, विसर्जन कल होगा 3 बजे के बाद। और 10 दिन बहुत अच्छे से पूजा हुआ, सब लोगों ने काफ़ी परिश्रम किया। यहाँ विश्व गायत्री मंदिर में हम लोग 4th साल है, 4 साल से हम लोग लगातार पूजा किए हैं और बहुत अच्छा साथ सहकार रहा, बहुत अच्छा सहयोग रहा। सब कार्यकर्ताओं का सब उत्साह से किए हैं काम। और यहाँ के लोगों का, यहाँ के मैथिल लोगों का, बिहार के लोग, यूपी के लोग, बंगाल के लोग, सब लोग बहुत उत्साह से यहाँ आए हैं। सब लोग बहुत अच्छा से पूजा पाठ किए हैं। सर, क्या महत्व होता है दुर्गा पूजा का, खास करके देखा जाता है? दुर्गा पूजा माता शक्ति का पूजा है, शक्ति का आराधना है। जो ज़्यादातर बिहार और बंगाल, कुछ यूपी के पूर्वी क्षेत्र में मनाया जाता है। हम लोग मिथिलांचल से हैं, मैथिल सांस्कृतिक संघ द्वारा ये पूजा का आयोजन किया जाता है और पूरा हम लोग नियम निष्ठा के साथ करते हैं। कितना समय लगता है सर इसको, कितने दिन पहले तैयारी? ये हम लोग लगभग 1-1.5 महीना पहले से पूजा का तैयारी करते हैं और 10 दिन तो इसमें पूरा समय देना पड़ता है। सुबह से लेकर रात को 12-1-2 बज जाता है, जागरण होता है और भी रात को पूजा होता है। तो 10 दिन यहाँ जो है वो पूरा तन मन धन से लगे रहते हैं। प्रभात मिश्रा, मैं मैथिल सांस्कृतिक संघ का अध्यक्ष हूँ और हमारे सचिव हैं, हमारे संस्थापक हैं, मुख्य स्तंभ हैं भवन जी। नीरव जी हमारे अभी भर छोड़ने गए हैं, महासचिव है, किसी कोई गेस्ट को छोड़ने गए हैं। और बहुत अच्छे से, बहुत उत्साह से पूरा पूजा संपन्न हो हुआ है।